देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ जिले में मलेरिया माह की औपचारिक शुरुआत हुई। मानसून में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इनसे बचाव और जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग जून में मलेरिया निरोधक माह मना रहा है। देवास में मलेरिया से बचाव और लक्षणों की जानकारी देने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। उन्होंने बताया कि मलेरिया का फैलाव बारिश के दिनों में अधिक तेज होता है। मलेरिया रोग के प्रति जन जागरूकता लाने, इसके फैलाव को रोकने, जांच तथा उपचार की व्यवस्था हेतु मलेरिया रथ पूरे देवास जिले का भ्रमण करेगा। बारिशों का मौसम आने वाला है। बारिशों के मौसम में स्पेशली स्टार्टिंग में इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, कहीं पर पुराना पानी का जमावड़ा होता है, वहाँ मच्छर के लार्वा जमा हो जाते हैं और ऐसे मौसम में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी के संदर्भ में जनता में जागरूकता लाने के लिए, लगातार टेस्टिंग करवाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे सिम्टम आएंगे तो आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना है, इस प्रकार की रथ का आयोजन किया गया है। ये रथ लगातार अगले 17 से 18 दिन पूरे देवास जिले में भ्रमण करेंगे। साथ में इसके मलेरिया के टेक्नीशियन भी जाएंगे। यदि कहीं पर कैंप लगाने की आवश्यकता होगी तो हम कैंप भी वहां पर लगाएंगे, ताकि वहीं पर ही लोगों के सिम्टम्स की जांच हो सके और तत्काल इलाज उनको मिल सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।